हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अंडा करी रेसिपी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 12 अंडे काम लेंगे और इसको पानी में अच्छी तरह से 2-3 बार वॉश कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है अंडा करी बनाने का। इसको थोड़ा बॉईल कर लेंगे, पहले साधारण पानी में अच्छी तरह से धो लेंगे। अब हम गैस को ऑन कर देंगे और इसके ऊपर एक पतीला रख देते हैं और पतीले के अंदर सभी अंडों को डाल देते हैं। पानी बॉईल हो चुका है, अब इसको थोड़ा बॉईल कर लेते हैं और थोड़ा कवर करके रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए कुछ उबाल आने लगे इसके अंदर, और अब इसके अंदर थोड़ा हम नमक डाल देते हैं जिससे कि थोड़ा जल्दी ये सॉफ्ट हो जाए और इसको पकाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगे। ये देखिए ढक्कन को उठाकर देखते हैं, अंडे हमारे बॉईल हो चुके हैं। ये देखिए हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको एक अलग प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं, थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। देखिए अब चम्मच से इसको थोड़ा ऊपर से हटा लेते हैं, इसका जो कवर है हटा देंगे ऊपर से। देखिए सभी अंडे हमने बॉईल कर लिए हैं और इसके ऊपर से जो कवर है अंडा का वो हटा दिया है, अब कचरा अलग कर दिया है। इसको हम दो दो पीसेज कर लेते हैं चाकू की सहायता से। अंडा करी सबको खाना बहुत ही पसंद है, एक बार ज़रूर बनाकर खाइए। अब इसके अंदर हमने मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, सभी मटेरियल्स, स्वाद के अनुसार नमक और ग्रीन चिली कट के लिए डाल दी है। इसको थोड़ा बॉईल कर लेते हैं, हम अच्छी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। अब इसके अंदर जो हमने अंडे तैयार किए थे बॉईल करके वो डाल देते हैं, हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। ये देखिए जो बॉईल किए हुए अंडे थे हमने छोटे टुकड़ों में कट कर लिए थे दो दो पीसेस, अब इसके अंदर हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है, उसके अंदर डाल देंगे। बहुत ही आसान सरल विधि है अंडा करी बनाने का, बहुत ही सीक्रेट तरीका है। आज हम बहुत ही अलग तरीके से अंडा करी ग्रेवी रेसिपी बनाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को स्विच करें ताकि समय पर आपको इसकी जानकारी मिलती रहे। अब इसको चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए बहुत ही चटपटी अंडा करी रेसिपी बनने जा रही है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एक चम्मच से इसको चलाते रहेंगे, हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है, मसाला पककर तैयार हो चुका है। अब इसको पकाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, अंडे में पहले ही बॉईल कर लिए थे, अब थोड़ा कवर करके रख देते हैं और कवर को अभी हटा लेते हैं। ये देखिए हमारी अंडे करी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अच्छे उबाल आ चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। ये देखिए चम्मच की सहायता से इसको थोड़ा चला लेते हैं ताकि जल्दी ठंडा हो जाए, अच्छे उबाल आ चुके हैं। इसको आप रोटी पूरी चपाती के साथ खा सकते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। सर्दियों में आप ज़रूर अंडा करी बनाकर खाइए। अब देखिए हमारी अंडा करी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब थोड़ा ठंडा होने के बाद देख इसको एक अलग प्लेट के अंदर डाल देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू सुगंध आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपने दोस्तों में
देखिए, हम इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद थोड़ा सर्व कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब के लिए धन्यवाद।